लाया हूँ। दोस्तों भाइयों, आज लोग शुगर की वजह से बहुत परेशान हैं। एक शुगर की वजह से परेशान है और दूसरा हार्ट की वजह से परेशान है। हार्ट अटैक वो भी एक मार्केट चल रहा है, शुगर का भी एक मार्केट चल रहा है और दूसरा किडनियाँ का भी एक मार्केट चल रहा है। मेरे दोस्तों भाइयों, याद रखो किडनियाँ की भी कोई बीमारी नहीं और किडनियाँ सुकड़ जाते सो। हमें अगर खाने पीने का तरीक़ा, अगर क्या खाना क्या पीना अगर हमें इल्म से नहीं करेंगे किडनियाँ सुकड़ जाएंगे। दोस्तों आज मैं जो बैलेंस आपको बता रहा हूँ, अगर उस बैलेंस के साथ आप जी लेंगे ये सारे बीमारियों से आप बच के रहेंगे इंशाल्लाह। वो बैलेंस क्या है? हर दिन करेले का जूस गर्म पानी में मारकर एक वक्त पी लें, या शाम में या दोपहर में या सुबह में करेले का जूस या करेला चाप के खा जाएं, गर्म पानी पी लें, एक छोटा करेला चाप के खा के गर्म पानी पी लें या करेले का जूस बना के पिए। और उसके बाद जो है इतना गुड़ खा जाएं, या लाल गुड़ हो या काला गुड़ हो, थोड़ा गुड़ खा जाएं और उसके ऊपर गर्म पानी पिए। और ठंडा पानी बिल्कुल पीना छोड़ दें, कच्चा पानी, पानी अच्छा पकाना, जैसा हमें चावल पका को खाते हैं, गोश्त पका को खाते हैं, ऐसा पानी भी अच्छा पकाना, शाम तक रख डालो एक स्टील के बाद बर्तन में, इंशाल्लाह पीते रहो। और कच्चा पानी, फ्रिज का पानी, ठंडा पानी ये सब पीने का छोड़ो। एक दूसरा, एक तीन चार अंजीर, सूखे अंजीर अच्छा गलाओ, चार एक तीन चार अंजीर अच्छे गलाओ और ठंडा करके किविच के पी जाओ रात को सोने के टाइम पर। करेले का जूस खाने से पहले, अंजीर सोने के वक्त, उसके ऊपर इतना गुड़ खाकर तक गर्म पानी पी लेके सो जाओ। और सुबह में उठो दो इलायची चाप के खाना और गर्म पानी पीना एक दो गिलास, फिर आधा घंटा कुछ भी नहीं खाना। अगर इसे अपनी ज़िंदगी में मामूल कर लेंगे और एक चमचा मेथी, पौ चमचा कलौंजी रात को ही पानी में डाल के रखो, सुबह में उठो वो पानी पीकर मेथी कलौंजी खा जाओ। हाँ, पहले इलायची खाओ बाद मेथी और कलौंजी खा जाओ, आधा घंटा नाश्ता मत करो। अगर इसे कंटिन्यू कर लेंगे आप, जिनको शुगर है, जो शुगर का बैलेंस टूट गए या शुगर कम हो गए या शुगर ज़्यादा हो गए, उनको जो है 3 महीने इस तरह करना है। मेरे दोस्तों भाइयों, 3 महीने के बाद 15 दिन कलौंजी मेथी खाना और 15 दिन 3 भेंडियाँ कट कर को एक गिलास पानी में डाल को रखना रात में गर्म पानी में, सुबह को किविंच को पी लेना। 15 दिन भेंडियाँ का पानी, 15 दिन कलौंजी मेथी, हमेशा के लिए आपकी आदत में। जैसे इंसान मरने के वास्ते कईयों आदत डाल लेता है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, बार बार चाय पीना। मेरे दोस्तों, मरने के वास्ते शराब, ब्रांडी, दारू, गांजा, अफीम, क्या क्या की डाल लेता है मरने के वास्ते। ये जीने के वास्ते है इंशाल्लाह, जो बैलेंस में बता रहा हूँ आपको जीने के लिए, इंशाल्लाह हर बीमारी से बच के रहेंगे। और दूसरा, भूख लगी तो खाना खाना, यानी रोटी, पलाव, खिचड़ी, बिरयानी, क्या भी हो, भूख लगी तो खाना, अगर भूख नहीं है, चाहत नहीं है, मत खाओ। थोड़ा अनार खा जाओ, सेब खा जाओ, अंगूर खा जाओ, माउस खा जाओ, भूख नहीं तो राशन मत खाओ, भूख लगी तो खाना। आप भूख रहे तो हाथ धो लेना, अब भी एक रोटी खाना, फिर भी इतना खाना खाने के अरमान रहना, हाथ धो लेना। अगर ये बैलेंस पकड़ लेंगे हमेशा बीमारी से बच के रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा बैलेंस ये है, सफ़ेद नमक अपने घर से तलाक दिया लो, सफ़ेद नमक के बजाय काला नमक इस्तेमाल करो खाने में, साले में, हर चीज़ में। और इंशाल्लाह शक्कर को तलाक दो घर से, शक्कर के बजाय गुड़, काला या लाल, सफ़ेद गुड़ भी नहीं, क्योंकि सफ़ेद गुड़ में भी निरमा वॉशिंग पाउडर डालते हैं गुड़ उजला करने के लिए, जल्दी मर को जाती। और तीसरा बैलेंस आपका, पाम ऑयल खाने का छोड़ डालो। पाम ऑयल एक ऐसा तेल है, आज हार्ट अटैक कसर से आ रहा है पाम ऑयल से, इसलिए पाम ऑयल मत खाओ। पाम ऑयल के बजाय तिल का तेल, फली का तेल, रायां का तेल और नारियल का तेल, कुछ भी खाओ, जैतून का तेल, बल्कि पाम ऑयल नहीं।
और तीसरा चौथा बैलेंस क्या है, और फ्रिज में जो भी चीज़ रख डालती तुम्हें पका को, खाना साला गोश्त मच्छी अंडा जो भी, फिर उठा को गर्म नहीं करना, फिर उठा को गर्म करको खाते रहेंगे ऐसे कईयों भी हमारे यहाँ के शिकार बन जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए फ्रिज में कच्चे चीज़ा रखो, उठा के पका के खाओ, पकाए सो चीज़ अनक डाल को फिर उठको उठा के नहीं पकाना, उसको गर्म नहीं करना, कैंसर की बीमारी शुरू हो जाती है। और चौथा क्या है, हफ्ते में एक बार पूरे जिस्म को मालिश करो, यानी नारियल का तेल, राया का तेल, एरंडी का तेल और मिला ले के जैतून का तेल और थोड़ा कलौंजी का तेल मिला ले को पूरे जिस्म को मलो, बाप बेटे को, बेटा बाप को, माँ बेटी को, बेटी माँ को, अच्छा एक आधा एक घंटा लगड़ना पूरे जिस्म को, लगड़ को गर्म पानी नहा लेना, हफ्ते में एक बार ऐसा करते रहेंगे आपके गाड़ियाँ ताज़े रहेंगे, बेरिंगा ताज़े रहेंगे और हर बीमारी से बच को रहेंगे इंशाल्लाह। और तीसरा एक बैलेंस क्या है दोस्तों, तीसरा बैलेंस यह है खाने के साथ साथ पानी पियोनों को, खाने से आधा घंटा पहले एक आधा गिलास पानी पी जाओ, फिर खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पियो, वो भी गर्म पानी ठंडा नहीं। अगर ये बैलेंस पकड़ लेंगे हर बीमारी से बच को रहेंगे। सबसे पहले बैलेंस की ज़रूरत है, याद रखो सीखे सो मुट्ठी वत्ता, सीखना सो पूरी मट्टी वत्ता, मंजे मालूम रखो कहते ही खबर को चले गए। इसलिए जो मालूम है को मालूम कराओ, जो मालूम नहीं छोटे बन को मालूम कर लियो, छोटे बन को सीखो, बड़े बन को दुनिया को सिखाओ, सिखाने के टम्बो किसी को ड्रोनों को अल्लाह के सिवा, और सीखने के टम्बो बड़े बनोनों को मुझे मालूम नहीं, सीखे सो मुट्ठी होता, सीखना सो पूरी मट्टी होता। इसलिए एक दूसरे पर रहम करो। और तीसरा रसूल करीम सल्लम की दुआ के साथ इस्तेमाल करो। रसूलल्लाह फरमाती सूरह फातिहा मेरी उम्मत को गिफ्ट मिला है, तोहफा मिला है, सूरह फातिहा पढ़ो और अल्लाह का नाम लेके पियो, चाहे कशाया हो, चाहे खाना हो, पानी हो, जो भी इस्तेमाल करती सूरह फातिहा पढ़ो, ए अल्लाह इसके इसके सदक़े में, इसके वसीले में हमारे हमना शफा दे, हमारे बीमारी को दफा कर, इस तरह सूरह फातिहा पढ़ को उसके तवस्सुल में दुआ मांगो, तुम्हारी हर जायज़ दुआ कबूल होती है।